और जिस तरह सर ने हमारे पे मेहनत की रिगार्डिंग फ्रॉम द स्टार्ट कि जैसे सर ने हमें पढ़ाया के साथ साथ हमें अदब सिखाया, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी ये। जब उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, जब एक शौक और लगन वलवला शामिल हो जाता है, तो और उधर से असातिज़ा भी इस मामले में उतना डिवोशन रखते हों, तो ये दोनों चीजें ही मिले तो जाके उसकी प्रोडक्ट कामयाब होती है। पहले आलम ये होता था कि बच्चे पढ़ने वाले होते थे तो बच्चों की वजह से टीचर्स को पढ़ाना पड़ता था। अब ये है कि टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं मगर स्टूडेंट तवज्जो नहीं दे रहे। फटे जरूर कम हुए हैं, लेकिन आपने वो बुजुर्ग जिनसे हिकमत भरी बातें सुननी थी ना, वो आपने सिर्फ इस आड़ में यहूदी साजिश समझकर, इंटरनेशनल साजिश समझकर आपने बंदे जो है ना अगले जान में पहुंचा दिए कि उससे एंटीबॉडीज बनेंगी और वो एंटीबॉडीज जब एक बीमार ज़्यादा इंसान के अंदर जाएंगी तो उसको बचाएंगी। खैर, लेकिन इसका भी रोल जो है ना बाद में स्टडीज ने बताया कि बहुत ही कम था। आप जो कोरोना की बात कर रहे हैं ना, आपने रोना डाला हुआ है, कोरोना को लोगों ने ना ढाल इस्तेमाल किया है, अपने कर्जे छुड़वाने के लिए, लोगों के हकूक गजब करने के लिए, लोगों के कर्जे ना वापस करने के लिए। तो आम तो सबसे बड़ा हल है ना आपके घर में, वो है उबला हुआ पानी। आप पानी को उबाल लें, 15 मिनट उसको उबाल के, थोड़ी सी मेहनत है वो करें। औरतें खासतौर पे इस चीज़ को अपने घरों में करें। कहीं पे छतों के ऊपर आपने परिंदों के लिए चीज़ें रखी होती हैं, उसमें नहीं इकट्ठा होने देना, क्योंकि ये डायरेक्ट लार्वे के प्रोडक्शन का जरिया है। पहली तो चीज़ हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना उसकी 3 चीज़ें होती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैरियर और वैक्टर। इन 3ों के स्टेज पर आप जहाँ जहाँ रोक लेंगे आप उसकी चेन को तोड़ देंगे।